आप जानते हैं फिलीपींस में लॉकडाउन का पालन ना करने पर उनको क्या अंजाम भुगतना पड़ सकता है? गोली मारने के आदेश। जी हाँ, राष्ट्रपति ने पालन ना करने वालों के खिलाफ सख्त चेतावनी दी है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्तो ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को सख्त चेतावनी जारी की है। उन्होंने कड़ा तेवर इस खबर के बाद अपनाया जिसमें बताया गया था स्वास्थ्य कर्मियों से दुर्व्यवहार किया जाता है, अधिकारियों का सहयोग करने के बजाय उनसे उलझा जाता है। जानते हैं फिलीपींस में लॉकडाउन पर राष्ट्रपति का सख्त संदेश। रोड्रिगो दुतेर्तो ने टेलीविजन संदेश में कहा था, हर शख्स के लिए लॉकडाउन के नियमों का पालन करना जरूरी है। कोरोना वायरस के बचाव के लिए लोगों का क्वारंटाइन किया जा रहा है। ऐसे में अगर कोई नागरिक नियमों का उल्लंघन करता है तो सेना और पुलिस के लिए मेरी हिदायत है, समस्या पैदा कर दूसरों की जान को आफत में डालने वालों को शूट कर दिया जाए। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि हालात खराब होते जा रहे हैं, महामारी की गंभीरता को समझते हुए लोगों को एक बार फिर चेताया जा रहा है, समस्या पैदा करने के बजाय अधिकारियों को लोग सहयोग करें, नागरिक घर पर रहकर क्वारंटाइन का उपयोग करें। लॉकडाउन के नियमों का पालन करने वाले अधिकारियों से अगर उलझा जाता है तो ऐसे लोगों पर गोली चलाने की इजाजत है। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से दुर्व्यवहार और अधिकारियों से उलझने को बड़ा जुर्म बताया। राष्ट्रपति की सख्त चेतावनी उन खबरों के बाद आई जिसमें बताया गया था कि लॉकडाउन के बीच हंगामा हो रहा है। बुधवार को मनीला में सरकारी खाद्य सहायता की व्यवस्था के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद कई प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी अमल में आई थी। फिलीपीन में कोरोना वायरस के कारण स्थिति ठीक नहीं है, यहां संक्रमण के चलते 46 लोगों की मौत हो गई है जबकि 2300 से ज्यादा लोग महामारी से जूझ रहे हैं। पिछले 3 सप्ताह से संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।